जूनागढ़ गिरिनार पहाड़ियों के तल पर गुजरात का सातवां सबसे बड़ा शहर है। जूनागढ़ स्वराष्ट्र क्षेत्र में स्थित जूनागढ़ अपने किले, अपने बाजारों, गीत नृत्य संस्कृति, मसाले अचार और लोकल लोगों के फ्रेंडली बिहेवियर के लिए फेमस है। जूनागढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ पुराना शहर है। जूनागढ़ में शिलालेख, मंदिरों, गुफाओं, किले, स्टेप वेल्स, टैंकों और तोपों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व में पहुंच गए हो और गिरिनार हिल को तो कोई भूल ही नहीं सकता। सर्दियों का मौसम मतलब अक्टूबर से मार्च तक के महीने जूनागढ़ जाने के लिए सबसे सही समय है। ये है जूनागढ़ का स्वामीनारायण टेम्पल। गोल्डन कलर से ऊपरी हिस्से को सजाया गया है और नीचे है मेन पूजा स्थल। इस टेम्पल में बहुत सारे धर्मशाला और इस तरह के निवास सदन बनाए गए हैं। एक शुद्ध सात्विक खाने के लिए भोजनालय है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप यहाँ आइए चल करके और रुकिए। इस तरह से एक नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग, पुराने आर्किटेक्चर और नई आर्किटेक्चर का यहाँ पर मिलन आपको देखने को मिलेगा। इन ढेर सारी खूबसूरत नई बिल्डिंग्स के बीच में पुरानी ये बिल्डिंग की अपनी खुद की अलग ही शोभा है। ये बिल्डिंग आजकल अबंडेंट है, इसको यूज़ में नहीं लाया जाता, लेकिन इसकी खूबसूरती में इतने सालों के बाद भी कोई कमी नहीं आई। किसी ने मुझे बताया कि पहले यही मंदिर हुआ करता था, लोग इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे और दर्शन करते थे स्वामीनारायण जी महाराज के। यह जूनागढ़ का स्वामीनारायण टेम्पल। स्वामीनारायण टेम्पल को देखने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अगले टारगेट की तरफ। तो चलिए मेरे साथ, देखते हैं कौन सी है नेक्स्ट जगह। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपर कोट फोर्ट में, और जो कि 319 BC पुराना है। यहाँ देखने के लिए आपके जो मेन अट्रैक्शन है उसमें खुद का ये फोर्ट जो कि बहुत पुराना बताया जाता है, बुद्धिस्ट केव और साथ में एक मॉस्क जो 15th century में बनाई गई थी। तो चलिए चलते हैं इस फोर्ट की यात्रा की तरफ। अपर कोट जूनागढ़ के पूर्व में स्थित है, जो कि 2300 साल से भी अधिक पुराना है। कुछ स्थानों पर 20 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा है। दीवारों के अंदर एक 300 फीट गहरी खाई हुआ करती थी, जिसमें किले की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को रखा जाता था। अपर कोट फोर्ट जब आप आते हैं तो 3-4 जगह इसी के अंदर, इनफैक्ट पहले पूरा शहर कहते हैं यहीं पर बसा हुआ था। तो अब शहर अंदर तो नहीं है, बाहर है, लेकिन फोर्ट अभी तक मौजूद है। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ के नज़ारे किस तरह के हैं। ये जगह ऐसा लगता है जैसे बेसमेंट बनाया जाता है आजकल के बिल्डिंग्स में। अब ढेर सारे पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इन्हीं पिलर्स पर पूरा फोर्ट या अपर पार्ट ऑफ द फोर्ट खड़ा है। एक बेसमेंट में जिस तरह से अंधेरी गलियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कुछ अंधेरे कोने हैं जिसमें आप लाइट के बगैर कुछ भी नहीं देख सकते। कुछ ऐसा ही है यहाँ का नज़ारा भी। चलिए थोड़ा रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं देख सकते। Streets are so small. अपरकोट फोर्ट का पहला फोर्ट देखने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं केव की तरफ। हार्डली 10 या 15 कदम चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे बुद्धिस्ट केव। ये गुजरात टूरिज्म के स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंडर आता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। लीजिए कुछ कदम चल के, मैंने अभी टिकट ले लिया है बुद्धिस्ट केव का। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुद्धिस्ट केव जूनागढ़ के टिकट अंदाज आता है। ये 25 रुपये की टिकट है। जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो अपना आईडी प्रूफ दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अंदर शूटिंग के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो विदाउट स्टैंड कैमरा, कोई भी सेल्फी या फिर गिम्बल आप नहीं यूज करेंगे। 25 रुपये का ये रिसिप्ट मिला है, जो एज पर द रूल 83 कहा गया है कि आप जा करके शूटिंग कर सकते हैं। तो ये ऑथराइजेशन है।
बताया जाता है कि ये केव किसी एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई थी, जो चट्टान यहाँ मौजूद थी। ऊपर से नज़ारा चट्टान का कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये रोशनी के लिए जगह खाली रखी गई होगी यहाँ पर, ताकि नीचे रोशनी आए। दो फ्लोर हैं इसके, जाने का रास्ता सीढ़ियाँ इसके लेफ्ट साइड में दी गई हैं। तो ये है सीढ़ियाँ जो बढ़ रही हैं बुद्धिस्ट केव की तरफ। तो ये बुद्धिस्ट केव का ये फर्स्ट फ्लोर है। एक छोटे से बरामदे से होते हुए हम बढ़ रहे हैं अंदर दूसरी तरफ। ये वो जगह जो हम ऊपर से देख रहे थे, जिसको रोशनी के लिए यहाँ रखा गया है। ये वाटर स्टोरेज का एरिया है। सीढ़ियाँ उतरिए, नीचे आइए, पानी भरिए और चले जाइए। तो इस जगह पे इस केव में वाटर को स्टोर करके रखा जाता था। पानी बह के उस नाले से आता था, वहाँ से होता हुआ उस छोटे से उससे इस जगह में इकट्ठा किया जाता था पानी को। एक और कॉरिडोर बनाया गया है, जिसको पिलर की सपोर्ट दी गई है, ताकि एक होम या एक रेजिडेंस जैसी फील आए। यहाँ पर सिटिंग की तरह स्पेस है, या फिर आप सामान रख सकते हैं जो आपको रखना है। ये एक छोटा कमरा है रोशनी के लिए, मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। देखिए इस तरह की जब आप चीज़ें बनाते हैं तो ऊपर से रोशनी आपको इतनी गहराई पर भी मिलेगी। तो इस कमरे में उतनी रोशनी तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि देखा जा सके, दिन में यहाँ रुका जा सके। सो हम बढ़ रहे हैं निचले लेवल की तरफ, अपर लेवल नीचे लेवल। ये है वो जगह। ये है लोअर लेवल, यानी कि दूसरा तल इस गुफा में। यहाँ पर खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा है, पिलर्स में काम ज़्यादा किया गया है। आप डिफरेंट तरह के स्कल्पचर और स्टैचूज यहाँ देख सकते हैं। जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे काम सूत्रा की डिफरेंट पोजीशंस दिख रही हैं। साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश के आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। कृष्णा को भी दिखाया गया है रासलीला करते हुए। कितनी खूबसूरत और साफ सुथरी जगह है। पूरा अंधेरा है क्योंकि यहाँ रोशनी का किसी तरह का प्रबंध नहीं है। रोशनी सिर्फ सेंटर वाले एरिया से इस जगह तक आती है। दीवार को सजाने के लिए अलग अलग तरह की कार्विंग की गई है, उसके अंदर मूर्तियां बनाई गई है, और ये सामान रखने के लिए जगह या बैठने के लिए। देखने वाली चीज़ ये कि आप यहाँ पर ऐसे बैठ जाइए। ये सिटिंग है, अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है सेंटर में तो उस वक्त आप यहाँ बैठ सकते हैं, या सामान रखने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। आप जमीन से दो फ्लोर नीचे हैं इस वक्त, ये खास चीज़ है। और रोशनी का प्रबंध यहाँ तक है। देखिए आर्किटेक्चर का एक बढ़िया नमूना, एक स्टोन को काटकर इस तरह के किसी भी चीज़ को बनाना बहुत मेहनत का काम है, और वो किया गया है। आप अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा एक बार अपर कोट फोर्ट में आइए, फोर्ट देखिए, फोर्ट के बाद बुद्धिस्ट गुफा देखिए। बढ़िया ऑप्शन है, शानदार है, बहुत नज़दीक में है चीज़ें, उनको आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और बहुत कुछ प्राउड महसूस कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तानी कल्चर और हमारी संस्कृति पर। ये शानदार चीज़ है, फुली रिकमेंडेड। प्लीज़ कम एंड सी दिस प्लेस। हमारा अगला डेस्टिनेशन है अडी कड़ी वाव, जिसको बावड़ी कहा जाता है हमारी भाषा में। ये वो फोटोग्राफ है जिसको मैंने जब इंटरनेट पे देखा तो सबसे ज़्यादा इसने मुझे अट्रैक्ट किया था। ये देखिए किस तरह का के निशान इस वॉल के ऊपर बने हैं, और ये पानी बहने की वजह से है, और ये कलर और ये वेव्स के जैसे निशानी है जो इस जगह को खूबसूरत बनाते हैं। जिस तरह की शेप यहाँ बनी है, इसको देख के लगता है ऐसे पानी ऊपर से बहकर के नीचे की तरफ आता था, और यहाँ उसे सिर्फ स्टोर करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि बावड़ी जो है ये स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था, वाटर स्टोरेज यहाँ होता था। नीचे इसका एक और सबूत है, आप देखिए ये गोल कुआं बनाया गया है। यहाँ पर गोल कुआं है जिसमें आजकल कूड़ा कचरा डाल दिया गया है, लेकिन उसके नीचे अभी भी पानी भरा है। तो अगर इस कूड़े कचरे को हटाएंगे तो एक गहरा कुआं यहाँ पर निकलेगा, जिसमें ढेर सारा पानी इस वक्त भी मौजूद है। और पानी ने इस चट्टान को काट कर किस खूबसूरत सी शक्ल में बदल दिया है। ऐसा तभी हो सकता है जब बहुत पानी बह करके यहाँ आता हो, इसलिए आदि कादी वाव यानी कि बावड़ी देखने लायक जगह है हम सब के लिए। एक किले के अंदर लोगों की लाइफ किस तरह की होती है,
पानी के सोर्सेज को कैसे अरेंज किया था, सेफ्टी कैसे कंसिडर होती है, ये सब चीज़ें यहाँ आकर आपको ऊपरकोट फोर्ट में देखने को मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तालाब है, एक कुआं है थोड़ी देर बाद जो हम देखेंगे, और साथ ही साथ है ये खूबसूरत बावड़ी। ऐसी जगह ऐसी चीज़ें देख के आप कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन और सिविल सिस्टम को अच्छे से समझ। इस वक्त हम खड़े हैं नवागांव को आबो ऊपरकोट पे। स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप है जो आया हुआ है, अच्छी बात है। स्कूल के बच्चों को लेके ऐसी जगह पे आना चाहिए। कहते हैं ये 1434 में बनाया गया था, कैमरा बंद हो। इस स्टेपवेल की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भूमिगत सर्पिल सीढ़ियां हैं, जो कि नीचे की तरफ मिलती हैं, जहां पानी पाया जाता है। नरम पत्थरों में उकेरी गई नवघन कुओं के एक अपनी ही पहचान है। ये कुआं अपनी ही तरह का एक कुआं है। ये एग्जाम्पल है सबसे पुराने कुएं के होने का। अच्छी जगह है, एक बार आना तो बनता है, एक बार यहाँ पर आकर के देखना बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब ये वॉल रॉकी है, तो रॉक के अंदर कटिंग करना और इतनी गहरे तक कटिंग करना कि पानी निकल आए, ये खुद में हमारे देश की जो आर्किटेक्ट्स हैं, मैकेनिकल लोग हैं, उनकी महारत का नमूना है। सल्यूट करने को दिल करता है इन लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें इतने बड़े लेवल पर इतनी मेहनत करके बनाई। एक बार आइएगा जरूर जब भी आप ऊपरकोट का फोर्ट देखने के लिए आए। तो मैं यहाँ से वापसी कर रहा हूँ अगले मंजिल की तरफ। यहीं पर एक और जगह है जिसका नाम है अनाज ना कोठार, यानी कि अनाज का कोठा, जो कि ये बोर्ड लगा है बताता है। हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, 3:30 बजे बस है, 3:10 बाकी है। तो अभी होटल से जाके बैग उठाएंगे और निकलेंगे अगली मंजिल की तरफ, और अगली मंजिल का नाम है द्वारका। तो अगली बार मिलते हैं आपसे द्वारका में।